Hello dear students, today we'll do third chapter. The name of the chapter is the Dabbawalas and the theme of this chapter is entrepreneurs. Entrepreneurs means business man. So इस chapter में हम ऐसे business persons के बारे में बात करने वाले हैं जो डब्बास का tiffins का business करते हैं. So let's start the chapter. If you move around local stations of Mumbai, you will find a great deal of hustle bustle going on 2 hours before the lunch time as white capped men are seen sorting out and rushing away with packed tiffin boxes to various destinations. अगर आप मुंबई के stations की तरफ move करते हैं तो वहाँ पर lunch टाइम से 2 आवर्स पहले आप पाएंगे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हस्टल बस्टल. हस्टल बस्टल मीन्स बिजी मूवमेंट एंड एक्टिविटी ऑफ द पीपल. सो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हस्टल बस्टल्स आपको देखने को मिलेगी क्योंकि इस टाइम पर वाइट कैप पहने हुए मैन अपनी थिंग्स को सॉर्टिंग आउट मीन्स अरेंज करते हुए आपको दिखाई देंगे और वो पैक टिफिन बॉक्सेस की तरफ वेरियस डेस्टिनेशंस में तोड़ते हुए आपको दिखाई देंगे. दीज मैन आर द डब्बा वालास हु कैरी द टिफिन बॉक्सेस, देयरफॉर दे आर ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द टिफिन वालास. ये मैन जो है डब्बा वालास होते हैं जो टिफिन बॉक्सेस को कैरी करते हैं और इसीलिए कई बार इनको टिफिन वालास भी कहा जाता है. देयर जॉब इज टू कैरी एंड डिलीवर फ्रेश फूड फ्रॉम होम इन लंच बॉक्सेस ऑफ टू ऑफिस वर्कर्स एंड इंडियन बिजनेसमैन. उनकी जॉब होती है घर से फ्रेश फूड को कैरी करना और फिर इस फ्रेश फूड को ऑफिस वर्कर्स और इंडियन बिजनेसमैन तक डिलीवर करना. दो द वर्क साउंड सिंपल, इट इज एक्चुअली अ हाईली स्पेशलाइज ट्रेड दैट इज ओवर अ सेंचुरी ओल्ड एंड हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मुंबई कल्चर. हालांकि जब हम इस वर्क के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत सिंपली हमें दिखाई देता है कि भाई घर से टिफिन लेना है और फिर ऑफिसेस तक लेकर जाना है, लेकिन ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रेड है जिसको एक सेंचुरी पहले स्टार्ट किया गया था और आज ये मुंबई के कल्चर का एक इंटरगल मीन्स इंपॉर्टेंट नेसेसरी पार्ट बन चुका है. द डब्बा वाला कॉन्सेप्ट ओरिजिनेटेड व्हेन अ पर्सन नेम्ड महादेव हवाजी बच्चे स्टार्टेड द लंच डिलीवरी सर्विस इन 1890 विद अ स्मॉल नंबर ऑफ 100 मैन इन मुंबई. डब्बा वाला कॉन्सेप्ट उस टाइम ओरिजिनेट हुआ जब एक पर्सन जिनका नेम महादेव हवाजी बच्चे था, उन्होंने 1890 में बहुत कम लोग जैसे सिर्फ 100 लोगों के साथ जो है लंच डिलीवरी सर्विस को स्टार्ट किया था. नाउअडेज इंडियन बिजनेसमैन आर द मेन कस्टमर्स ऑफ द डब्बा वालास और आज जो है इंडियन बिजनेसमैन इन डब्बा वालास के मेन कस्टमर्स हैं. दीज मैन आर द सक्सेसर्स ऑफ ग्रेट वॉरियर्स मावले हु वर एसोसिएटेड विद द नोबल छत्रपति शिवाजी द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर. ये मैन जो है मावले के ग्रेट वॉरियर्स, वॉरियर्स होते हैं फाइटर्स जो ब्रेव सोल्जर्स होते हैं. सो ग्रेट वॉरियर्स मावले के सक्सेसर्स हैं. सक्सेसर्स मीन्स पर्सन हु टेक द प्लेस ऑफ समवन डिसेंडेंट. ये मावलेस के डिसेंडेंट हैं जो कि मराठा एम्पायर के फाउंडर छत्रपति शिवाजी महाराज से एसोसिएटेड थे, मीन्स उनसे रिलेटेड थे. दे कम फ्रॉम द सिहाद्री रेंज ऑफ माउंटेन लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ मुंबई. वो ईस्ट ऑफ मुंबई में लोकेटेड माउंटेन्स की सिहाद्री रेंज से आए हैं. दे स्टार्व देमसेल्व्स टू फ्री पीपल फ्रॉम ब्रुटिलिटी ऑफ द रूलर्स. वो भूखे रहे थे लोगों को रूलर्स की ब्रुटिलिटी से बचाने के लिए. ब्रुटिलिटी मीन्स क्रुएलिटी से बचाने के लिए. नाउ दिस पीपल स्टार्व टू फीड पीपल ऑन टाइम. और आज ये लोग भूखे रहते हैं लोगों को टाइम पर खाना खिलाने के लिए. ओके, विद एम टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स एंड विद अ फ्यू एरर्स ऑन देयर पार्ट देयर लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन सिस्टम इज रेटेड एज द टॉप मोस्ट इन द वर्ल्ड. अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने की एम के साथ और अपने पार्ट में बहुत कम एरर्स के साथ, यानी कि अपने जॉब में बहुत कम एरर्स के साथ और अपने लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन सिस्टम के साथ इन्हें वर्ल्ड में टॉप मोस्ट रेटिंग दी गई है. देयर एफिशिएंसी इन देयर वर्क हैज़ अर्न देम अ मार्क ऑफ 6 सिग्मा रेटिंग. उनके वर्क की एफिशिएंसी की वजह से उन्हें 6 सिग्मा रेटिंग मिली है. 6 सिग्मा रेटिंग बिजनेसमैन्स को दी जाती है उनके बिजनेस के लिए. जब कोई बिजनेस पर्सन अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करके अपने बिजनेस को आगे इम्प्रूव करते हैं और अपने बिजनेस में बहुत कम गलतियां करते हैं, उनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, तो उस टाइम जो है 6 सिग्मा रेटिंग दी जाती है. इवन उनकी एफिशिएंसी जो है 99.99999% या उससे भी ज़्यादा होनी चाहिए. इट मीन्स ये अपने काम में बिल्कुल भी गलती नहीं करते हैं. किसी भी टिफिन बॉक्स को, कोई भी टिफिन बॉक्स जो होता है उसको बहुत कम ऐसा होता है कि भाई हाँ उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है. सो इस एफिशिएंसी की वजह से उन्हें 6 सिग्मा रेटिंग दिया गया है. दे वर्क ऑन रूट ऑफ सेंट्रल वेस्टर्न एंड हार्बर रेलवे लाइन्स. वो जो है सेंट्रल ईस्टर्न और वेस्टर्न हार्बर रेलवे लाइन्स पर काम करते हैं.
sorry, central, western or harbor, not eastern. They care for the health of their customers by providing home cooked food prepared by their loved ones. वो अपने customers की health का ध्यान रखते हैं, उन्हें home cooked food जो कि उनके loved ones के द्वारा prepare किया गया है उसे provide करवा के. These men follow certain discipline codes during working hours like no consumptions of liquor during work time, during wearing white caps and carrying their identity card. ये men जो हैं working hours के time पर कुछ discipline codes को follow करते हैं, जैसे कि working time पर कोई भी पर्सन किसी टाइप की लिकर का कंजम्पशन नहीं करेगा. लिकर क्या होते हैं? अल्कोहलिक ड्रिंक होती हैं. वाइट कैप्स पहनेंगे और अपने आइडेंटिटी कार्ड ये अपने साथ रखते हैं. सो इन डिसिप्लिन कोड्स को ये फॉलो करते हैं अपने वर्किंग टाइम्स पर. दे डू नॉट हैव एनी टाइम फॉर डिस्प्यूट्स ड्यूरिंग वर्क आवर्स एंड डू नॉट रिक्वायर एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बिगिन देयर वर्क. उनके वर्क आवर के दौरान उनके पास कोई भी टाइम नहीं होता है डिस्प्यूट्स यानी कि झगड़ों के लिए, और ना ही वो किसी टाइप के इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने वर्क को स्टार्ट करने के लिए. एंड अमेजिंग फैक्ट इज दैट दे डू नॉट मेक यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू कैरी आउट देयर वर्क. और उनके वर्क का एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि वो अपने वर्क को कैरी आउट करने के लिए किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं. The approximate turnover of their business is rupees 36 crore per annum as each employee earns rupees 8000 per month. Unke jo business ki turnover means business par paisa lagane ke baad jo paisa wapis milta hai, unke business ki turnover approximately per annum, annum means annually rupees 36 crores hain, jisse ki har ek employee ko rupees 8000 per month milte hain. दीज मैन वर्क अंडर अ प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट, अ जनरल सेक्रेटरी एंड अ ट्रेजरर. ये मैन जो है एक प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और एक ट्रेजरर, ट्रेजरर मीन्स कैशियर, इन सब के अंडर काम करते हैं. दे हैव 9 डायरेक्टर्स, 800 मुकदम्स एंड 5000 मेंबर्स. उनके 9 डायरेक्टर्स हैं, 800 मुकदम्स हैं, मुकदम्स मीन्स कैशियर्स यू कैन से, और 5000 मेंबर्स हैं. An average डब्बा वाला is educated till grade 8. एक average डब्बा वाला जो है 8th grade तक पढ़ा हुआ होता है. These men carry around 2 lakh tiffin boxes of their destinations which involves 4 lakh transactions every day. ये men हर रोज 2 lakh tiffin boxes को अपने destination पर पहुंचाते हैं. It means ये daily 4 lakh transaction करते हैं. कैसे? पहले घर से tiffin boxes को offices तक पहुंचाते हैं और फिर offices से घरों तक पहुंचाते हैं, तो double transaction हो गई. So ये daily 4 lakh transaction करते हैं. In India, where many traditions are being rapidly turned over as a result of globalization, the practice of eating a home cooked meal is alive. इंडिया में जब ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारी ट्रेडिशंस जो हैं चेंज हो रहे हैं, बट अभी भी जो होम कुक मील को खाने का ट्रेडिशन है वो अभी भी बना हुआ है. इन द अर्बन स्प्रॉल ऑफ मुंबई वेयर गोइंग टू वर्क मीन्स लिविंग होम एज अर्ली एज 7 AM लॉन्ग बिफोर द वुमेन ऑफ द हाउस हैज स्टार्टेड कुकिंग फॉर द डे. द डब्बा वाला सिस्टम हैज विदस्टैंड एंड ऑन साइट्स ऑफ द ऑफिस कैफेटेरिया नेबरहुड इटर्स मल्टीनेशनल फूड चेन्स एंड द हाई एंड रेस्टोरेंट्स वेयर टेबल रिजर्वेशंस आर हार्ड टू कम बाई. मुंबई जैसे अर्बन एरियाज में जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, स्प्रॉल मीन्स अ लार्ज एरिया कवर्स विद बिल्डिंग्स विदाउट एनी फॉर्मल प्लान, बिना फॉर्मल प्लान के जहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं. मुंबई जैसे एरिया में, अर्बन एरिया में जहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं बिना किसी प्लानिंग के होती हैं, वहाँ पर काम करने का मतलब है कि आपको घर से सुबह 7 बजे निकलना होगा और इससे पहले ही घर की जो विमेन होती हैं वो काम करना, कुकिंग करना स्टार्ट कर देती हैं. और ये डब्बा वाला सिस्टम आज भी एज इट इज़ खड़ा है. विद स्टैंड मीन्स रिमेन अनचेंज्ड, बिना चेंज हुए एज इट इज़ खड़ा है. हर एक चीज़ के साथ इन्वेजन मीन्स हर एक चीज़ के साथ लड़ाई कर रहा है, जैसे कि जो ऑफिस कैफेटेरियाज, नेबरहुड ईटर्स, मल्टीनेशनल फूड चेन्स और हाई एंड रेस्टोरेंट्स खुल गई हैं जहाँ पर रिजर्वेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, किसी टेबल की रिजर्वेशन करना. इन सब को टक्कर देते हुए डब्बा वाला सिस्टम आज भी एज इट इज़ बिना चेंज, बिना मूव हुए खड़ा हुआ है. मीन्स ये सर्विस आज भी ऐसे ही चल रही है. दिस सर्विस इज एट वन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. ये सर्विस बहुत ज़्यादा सिंपल भी है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है. अ नेटवर्क ऑफ डब्बा वाला पिकअप द बॉक्सेज फ्रॉम द कस्टमर्स होम्स और
from people who cook lunch order and then deliver the meals to a local railway stations. ये जो डब्बा वालास होते हैं सबसे पहले customers के घरों से या फिर जहाँ पर customer का lunch lunch जो है cook किया जाता है order के साथ वहाँ से tiffin boxes को लेते हैं और फिर मुंबई के local stations पर सभी tiffin boxes को इकट्ठा करते हैं. The boxes are hand sorted for delivery to different stations in central Mumbai and then resorted and carried to their destinations. अब stations पर लाने के बाद इन boxes को resort किया जाता है. Means जहाँ जहाँ पर suppose एक ही colony के एक ही office के 10 boxes हैं या फिर उसी के आसपास के offices के 50 boxes हैं तो इस तरह से इनको sort out किया जाता है और फिर जो है इनकी अलग अलग destinations पर इनको पहुँचाया जाता है. After lunch the service is reverse. After lunch service reverse हो जाती है. कैसे? The empty boxes are delivered back home. जो empty boxes हैं, जो खाली boxes हैं lunch करने के बाद, फिर जो है उन्हें घर पर deliver करना होता है वापस. The secret of the system is in the colored cords painted on the top of the boxes. अब इन डब्बा वालास को कैसे पता चलता है कि भाई कौन से घर पे या कौन से ऑफिस पे कौन सा टिफिन देना है? तो इसका जो secret है उनके system का ये है कि वो हर एक टिफ़िन के ऊपर अलग अलग कलर से कुछ कोड लिख देते हैं और उन कोड से उन्हें पता चल जाता है कि विच टेल द डब्बा वालास वेयर द फूड कम्स फ्रॉम एंड विच रेलवे स्टेशन इज मस्ट पास थ्रू ऑन इट्स बाय टू अ स्पेसिफिक ऑफिस इन अ स्पेसिफिक बिल्डिंग इन अ डाउन टाउन मुंबई. ओके, सो इससे उन्हें पता चल जाता है कि ये टिफ़िन कौन से घर से आया है, कौन से ऑफिस में इसको लेकर जाना है, कौन से रेलवे स्टेशन पर इसको पहुँचाना है और फिर इसी के बाद जो है वो मुंबई के बिल्डिंग्स में इसको पहुँचाना शुरू कर देते हैं. We don't know how we could survive without this system, said Vrinda Chiplankar. यहाँ पर उनके कस्टमर हमें उनके बारे में, उनके सिस्टम के बारे में कुछ बता रही है. वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं इस सिस्टम के बिना कैसे सर्वाइव कर पाती. वृंदा चिपलंकर हु प्रिपेयर्स डेली लंच ऑफ लेंटिन्स वेजिटेबल्स राइस चपाती सैलेड फॉर हर हस्बैंड चंद्रशेखर चिपलंकर हु रन्स द फॉरेन एक्सचेंज डिवीजन ऑफ ओमान इंटरनेशनल बैंक. उनके हस्बैंड के लिए वो डेली जो है दालें वेजिटेबल्स राइस चपाती सैलेड ये सारी चीज़ें पकाती है और फिर डब्बा वाला उसको देती है. उनके हस्बैंड जो कि ओमान इंटरनेशनल बैंक में एक फॉरेन एक्सचेंज डिवीजन में काम करते हैं, उसको रन करते हैं. ओके, एक दूसरे कस्टमर भी उनके बारे में क्या लिख रहे हैं. द ओल्ड फैशन्ड इनएक्सपेंसिव डब्बा वाला सिस्टम इज रेयर सर्वाइवल इन दिस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड. दे आर नेवर लॉस्ट द लंच आई प्रिपेयर फॉर माई हस्बैंड. इन फैक्ट आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दैम बींग लेट और लूजिंग वन, सेज मिसेस डॉर्डी हु पेज रुपीज 300 अ मंथ फॉर द सर्विस. ये सारी बातें कौन कह रहा है? मिसेज डॉर्डी कह रही हैं कि मुझे नहीं पता कि उनका ये ओल्ड फैशन इन एक्सपेंसिव यानी कि जिसके ऊपर बहुत कम एक्सपेंस करना पड़ता है क्योंकि वो हर मंथ के 300 रुपीज़ ही देती हैं डब्बा को उनके घर से ऑफिस तक और ऑफिस से घर तक लाने में. सो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि ओल्ड फैशन इनएक्सपेंसिव डब्बा वाला सिस्टम कैसे इस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में यानी कि इस तेज़ी से दौड़ रहे हुए वर्ल्ड में काम कर रहा है. वो कभी भी लंच को नहीं घुमाते हैं जो मैं अपने हस्बैंड के लिए प्रिपेयर करती हूँ और मैंने कभी नहीं सुना कि वो लेट हो गए हैं या फिर अपनी जॉब के लिए लूज हो गए हैं या फिर मीन्स कि टाइम पर वो नहीं पहुँच पा रहे हैं. ओके, जिसके लिए मिसेज डॉर्थी हर मंथ 300 रुपीज़ इनके लिए पे करती है. बाइसिकल्स एंड मुंबई ट्रेन सिस्टम आर द डब्बा वालास प्रीफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. इन डब्बा वालास का जो प्रीफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है यानी कि उस जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वो सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं वो है बाइसिकल्स और मुंबई की ट्रेन. ऑन अ बाइसिकल वी आर द किंग ऑफ द रोड, सेज डी के चौधरी अ डब्बा वाला एट मिसेज डॉर्डीज हाउस. मिसेज डॉर्डी के घर में जो डब्बा वाला आता है डी के चौधरी, वो कहता है कि बाइसिकल पर हम जो है रोड पर किंग की तरह होते हैं. वी कैन गो डाउन नो एंट्री रोड्स दो रेड लाइट्स, यू कांट डू दैट इन योर कार कैन यू. वो कहते हैं कि बाइसिकल के साथ हम जो है नो एंट्री रोड में से भी जा सकते हैं, रेड लाइट होती है तब भी जा सकते हैं क्योंकि जो पेडेस्ट्रियन होते हैं या बाइसिकल पर चलते हैं यानी कि जो लोग पैदल चलते हैं या बाइसिकल पर चलते हैं वो नो एंट्री रोड पर या फिर रेड लाइट होने पर भी मूव कर सकते हैं. सो डी के चौधरी कहते हैं कि बाइसिकल के साथ हम रोड के किंग होते हैं. इट मीन्स
कि वो कभी भी देरी नहीं करते हैं कि क्योंकि अगर दूसरे व्हीकल्स को वो लेकर चलेंगे तो रेड लाइट जब होगी या फिर नो एंट्री रोड्स होंगे वहाँ पर उनको रुकना पड़ेगा, जिससे उनके टिफिन में देरी हो सकती है। सो वो बाइसिकल्स पर मूव करते हैं ताकि उनके सर्विस में किसी भी टाइप की कोई भी देरी ना हो। दिस सिस्टम रिसेंटली वन इंटरनेशनल अक्लेम फॉर एन अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स। इस सिस्टम को अभी जो है इंटरनेशनल अक्लेम मीन्स एप्रिसिएशंस मिला है अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स से। फोर्ब्स अवार्डेड द हम्बल डब्बा वाला सिक्स सिग्मा परफॉर्मेंस रेटिंग द टर्म यूज्ड इन क्वालिटी एश्योरेंस इफ द परसेंटेज ऑफ करेक्टनेस इज 99.99999 और मोर। अब फोर्ब्स ने इन डब्बा वालास को सिक्स सिग्मा रेटिंग दी है, क्योंकि ये सिक्स सिग्मा रेटिंग किसके लिए दी जाती है, जब आपके बिजनेस में करेक्टनेस कितनी हो 99.999 या उससे भी ज़्यादा, मीन्स नेगेटिव सेंस में, ना के बराबर गलतियां होने का चांस अगर आपके बिजनेस में होता है तभी जो है सिक्स सिग्मा रेटिंग किसी बिजनेस को दी जाती है। इन अदर वर्ड्स फॉर एवरी 6 मिलियन टिफिन डिलीवर ओनली वन फेल्स और टू अराइव। दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें कि जब ये डब्बा वाला 6 मिलियन टिफिन्स को डिलीवर करते हैं सिर्फ एक टिफिन ही उनसे खराब होता है, मीन्स इतने कम गलतियां करते हैं। दिस एरर रेट मीन्स इन इफेक्ट दैट टिफिन गोज अस्ट्रे ओनली वंस एवरी 2 मंथ्स। इस एरर रेट का मीनिंग है कि 2 महीने में ये जितने टिफिन्स को डिलीवर करते हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही टिफिन जो है डिस्ट्रॉय होता है। इट इज़ अ रेयर डे इंडीड व्हेन अ कस्टमर्स डीप फ्राइड पूरीज फेल टू टर्न अप। ये भी बहुत कम होता है कि जो कस्टमर्स के डीप फ्राइड पूरीज होती हैं, यानी कि यहाँ पर डीप फ्राइड पूरीज को कहने का मीनिंग है कि ऐसा खाना जिसके अंदर ऑयली, बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, कि वो भी टर्न अप हो जाए, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा भी बहुत कम होती है। द सिग्मा रेटिंग वॉज द सेम एज द गिवन टू द टॉप ब्लू चिप कंपनी मोटोरोला, नॉट बैड कंसिडरिंग दैट द मोस्ट डब्बा वालास आर नॉट वेरी एजुकेटेड। और यही सिक्स सिग्मा रेटिंग टॉप ब्लू चिप कंपनी मोटोरोला को दी गई है, मीन्स मोटोरोला और डब्बा वाला सेम टाइप की रेटिंग पर स्टैंड करते हैं। सो उनके लिए तो नॉट बैड, क्योंकि मोटोरोला कंपनी में बहुत एजुकेटेड इंजीनियर्स वर्क करते हैं और यहाँ पर ये जो डब्बा वालास हैं वो 8th ग्रेड तक पढ़े हुए होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। सो सेम रेटिंग के साथ ये वर्क कर रहे हैं, जिस रेटिंग के साथ मोटोरोला कंपनी कर रही है उसी रेटिंग के साथ ये डब्बा वालास भी वर्क कर रहे हैं। ओके, their honest work and service has started being recognized at national and international work level. उनका जो honest work और service है वो national और international levels पर recognized की गई है, उसको पहचाना गया है। Prince Charles of England honored the Dabbawalas by visiting Mumbai on November 4, 2003 को इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स ने इन डब्बा वालास को ऑनर किया। ही स्पेंड 20 मिनट्स विद देम, उन्होंने इनके साथ 20 मिनट्स स्पेंड किए, टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन देयर वे ऑफ फंक्शनिंग, जिस तरह से वो काम करते हैं उस चीज़ में उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी दिखाया। द यूनियन ऑल्सो रिसीव एन इन्विटेशन ऑफ द मैरिज ऑफ प्रिंस चार्ल्स ऑफ इंग्लैंड ऑन April 9, 2005। और इस यूनियन को, ये जो डब्बा वाला यूनियन है, इन्हें प्रिंस चार्ल्स की मैरिज जब हुई April 9, 2005 में, तो उसका भी इन्विटेशन मिला था। मीन्स कितना अच्छे से, कितना इफेक्टिवली ये अपना काम कर रहे हैं कि प्रिंस चार्ल्स इनसे इतने ज़्यादा इफेक्ट हुए थे कि उन्होंने अपनी मैरिज का इन्विटेशन भी इन्हें दिया था। दे हैव ऑल्सो बीन इन्वाइटेड टू लंदन फॉर ओपनिंग ऑफ द टिफिन बाइट होटल इन जून 2007। जब टिफिन बाइट होटल जून 2007 में लंदन में जब टिफिन बाइट होटल ओपन किया गया उसके लिए भी इन्हें इन्विटेशन मिला था। रिसीव्ड इन्विटेशन फ्रॉम CII फॉर अ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बेंगलुरु। और जब CII मीन्स स्टैंड फॉर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जब CII जो कि बेंगलुरु में जिनका कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था उसके लिए इन्हें इन्विटेशन मिला। IIM लखनऊ, IIM स्टैंड फॉर इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, IIM अहमदाबाद, CIII कोचीन, CII दिल्ली, डॉक्टर रेड्डीज लैब फाउंडेशन हैदराबाद, SCMHRD पुणे। SCMHRD सिंबलाइजेस फॉर सिंबोसिस सेंट्रल फॉर मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। SCMHRD नासिक,
MIT Pune. MIT stand for Massachusetts Institute of Technology. MIT Mumbai. MIT stand for Mechanical Engineering Technology. And IIT Harvard USA. IIT हार्वर्ड यूएसए, कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड, इन सारी जगहों से इन्हें इनविटेशंस मिले हैं जब भी यहाँ पर किसी टाइप की कॉन्फ्रेंस होती थी. सो देख सकते हैं आप कि कितना इफेक्टिवली ये लोग अपना काम करते हैं. देयर ट्रस्ट हैज़ ऑल्सो रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स, और उनके ट्रस्ट के लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए हैं. ऑलमोस्ट every news channel from India and abroad has made a documentaries on these men and their association. Almost हर एक news channel India और abroad से हर एक news channel ने इनके ऊपर documentaries बनाई हैं. Documentary means small films made on specific issues. इनके ऊपर documentaries बनाई हैं और इनके association के ऊपर Richards Ivey School of Business, Ontario and many institution of management in India like IIM Ahmedabad are conducting case studies on Dabbawalas. जो Ontario, Ontario जो है city in California, California में एक city का name है. Ontario में जो Richard Ivey School of Business है वहाँ के management ने और IIM Ahmedabad जो में इन डब्बा वालास के ऊपर स्टडी की जा रही है. मीन्स किस तरह से ये अपना काम करते हैं, कितना इफेक्टिवली ये अपना काम करते हैं, इस चीज़ के ऊपर इनके ऊपर स्टडी की गई. दिस सिस्टम सेट अप 100 ईयर्स अगो टू मीट द क्लिनरी नीड्स ऑफ बॉम्बेज रैपिडली एक्सपेंडिंग वर्किंग पॉपुलेशन. उस टाइम पर जब 1890 में मुंबई में वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ रही थी, उस टाइम पर लोगों की जो कुकिंग नीड्स थी उनको पूरा करने के लिए इस सिस्टम को लागू किया गया था. बोथ ब्रिटिश एंड इंडियन स्टिल एग्जिस्ट, और उस टाइम पर दोनों की ही वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ब्रिटिशर्स और इंडियन, क्योंकि उस टाइम पर हम ब्रिटिश के कॉलोनियल रूल के अंडर थे. द आइडिया हैज़ कॉट ऑन, आइडिया चल पड़ा. वी आर वेरी प्राउड. रघुनाथ मेट्स प्रेजिडेंट मुंबई डब्बावाला एसोसिएशन सेड. रघुनाथ मेट्स जो कि मुंबई डब्बावाला एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि हम ऐसा वर्क करते हैं. आर एंसेस्टर्स कैरिड स्वॉर्ड्स इन देयर हैंड्स, नाउ वी कैरी टिफिन बॉक्सेस इंस्टेड एंड थिंक ऑफ द वेल बींग ऑफ आर कस्टमर्स. आगे वो कहते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने अपने हाथों में स्वॉर्ड्स, तलवार ली थी लोगों के वेलफेयर के लिए, और आज हमने तलवार की जगह पर टिफिन बॉक्स लिया है, और अपने कस्टमर्स की वेलबींग के लिए, उनकी अच्छाई के लिए हम हमेशा सोचते रहते हैं. ओके, सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा. यू हैव टू रीड द चैप्टर केयरफुली. ओके, थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग.